प्रश्न है, वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 20,000 थी, उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, आप प्रश्न ही सही समझ चुके होंगे कि हमें इसमें चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर वर्ष जनसंख्या में वृद्धि होगी और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 5, यानी हर वर्ष जो जैसे मूलधन रहेगा ना रहता है वैसे ही इसमें भी वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, एक साल जनसंख्या कुछ और वृद्धि हुई, फिर उसमें अगले साल की जुड़ेगी, फिर उसमें अगले साल की जुड़ेगी, यानी वृद्धि होती रहेगी, तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगेगा। ठीक है, वर्ष 2000 के अंत में जनसंख्या, सूत्र क्या है अपना? P+1+R/100n। तो देखिए, मूलधन की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या कितनी थी? मूल जनसंख्या थी 20,000। ठीक है, 1+R यानी दर कितनी है? 5% वार्षिक की है, बटे 100। और कितने समय? तो 1997 से 1998, 1999, 2000 यानी 3 वर्ष। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 20,000, देखो यहां से 5 से इसको काट देते हैं, सरल कर देते, तो 5 एकम 5, 5 दुनी 10, और 5 शून्य 0 यानी 1/20 आएंगे, और यहां हर में कुछ नहीं तो 1 इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 20 आया, 1 से भाग देंगे 20 में तो 20 बार जाएगा, और 20 का गुणा हम करेंगे 1 में, तो 20 एकम 20, और उस 20 को जोड़ देंगे हम 1 से तो क्या हो जाएगा यहां पर? 21 की पावर 3। तो 20,000 गुणित की पावर, पूरे की पावर 3 है कि घात 3 है, तो ये कितनी बार है? 3 बार है, तो 21 गुणित 21 गुणित 21, और नीचे क्या है? नीचे 20 गुणित 20 गुणित 20। अब क्या करें? तो साहब यहां शून्य नजर आ रहे ऊपर और नीचे भी, तो काट दीजिए इनसे, ये शून्य से ये शून्य गई, इससे ये गई, इससे ये गई, नीचे 2-2 बचे। अब इस 2 को भी निपटा दें, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 और 2 शून्य 0, ये भी चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10। तो ऊपर क्या बचा? हम देख पा रहे हैं ऊपर बचा है 5 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 21 बटे 2। अब इसका गुणा ही तो करना है, तो 5 एकम 5, 5 दुनी 10 यानी इसका और इसका गुणा कर दिया, और इसका कर लेते अपन, 21 एकम 21 हासिल के 2, और 21 दुना 42 42 और 2 44 बटे 2। अब 105 में 441 का गुणा कर लेते हैं, तो 105 एकम 105 105 के 5 हासिल के 10, 105 चौक 420 420 और 10 430 430 की 0 हासिल की 43 है ना, और फिर 105 चौक 420 420 व 43 463 463 और बटे 2 चल ही रहा है, अब 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? 2 दुनी 4 2 3 6, 2 एकम 2 बचेगा 1, 10 हो जाएंगे, 2 5 10, 2 दुनी 4 बचेगा 1, दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10, तो क्या आएगा? 23,152.5 जनसंख्या आएगी, परंतु ये दशमलव हटाकर हम इसको 53 भी कर सकते हैं, यानी 23,153, ठीक है, लगभग 2000 में जनसंख्या क्या रहेगी? 23,153। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा।